हेलो एवरीवन, सो हम आ गए हैं अपना नवंबर 2019 की अमेंडमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। जी हाँ, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो प्रोविजंस है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई है। एंड एज यू नो, अमेंडमेंट्स हम हमेशा दो पार्ट में डिस्कस करते आ रहे हैं। एक वो जो कि एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, तो CGST एक्ट में अमेंडमेंट हुई है थ्रू CGST अमेंडमेंट एक्ट, वो सारी अमेंडमेंट हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई नया नोटिफिकेशन, सर्कुलर इशू हुआ है या रूल्स की अमेंडमेंट है तो वो भी जो होगी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ले रहा हूँ CGST एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस थे उनमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा, रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन थे CGST एक्ट में, वो हमारे पास सेक्शन 22 से रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन स्टार्ट होते थे और सेक्शन 30 तक रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस चलते थे, जिसमें से सेक्शन 22 बताता था कि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, 23 बताता था कुछ केसेस में नहीं कराना, 24 बताता था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है कुछ केसेस में, 25 बताता था कि आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, 26 आपको ये बताता था कि अगर आप CGST एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वही रजिस्ट्रेशन आपका कंसर्न्ड SGST एक्ट का भी रजिस्ट्रेशन माना जाता है, सेक्शन 27 बताता था स्पेशल प्रोविजन एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 28 आपका जो था वो बताता था आपका अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 बताता था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन की बातें, एंड सेक्शन 30 बताता था कि अगर कभी ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि वो अपना कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक कर दे और आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दे। ये हमारे पास टोटल सेक्शन थे, सेक्शन 22 टू सेक्शन 30। इसमें से सबसे पहली अमेंडमेंट सेक्शन 22 में हुई है, जिसको मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर डिस्कस करने वाला हूँ, स्क्रीन पर फोकस रखिएगा। सेक्शन 22 में कुछ रजिस्ट्रेशन होते थे थ्रेशोल्ड के सब्जेक्ट टू, उसमें अमेंडमेंट है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले जो प्रोविजंस होते थे उसमें भी कुछ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस पढ़े थे सेक्शन 22 या 24 में, वो इस तरीके से पढ़े थे। सेक्शन 22 से हम अपनी कहानी स्टार्ट करते थे एंड सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ये कहता था कि एक पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई का काम करता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड, सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड। सेक्शन 22 में आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता था, एक बेसिक लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था, बट अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस कर लेता था तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। क्लियर है जी? वो थ्रेशोल्ड हमारे पास क्या होती थी, आप सबको याद होगा, हमारे पास थ्रेशोल्ड होती थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रिस्पेक्ट में 10 लाख होती थी, अदरवाइज आपके पास थ्रेशोल्ड जो थी वो 20 लाख होती थी। दिस वॉज सेक्शन 22। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन 23 होता था, जिस सेक्शन 23 में ये कहा जाता था कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना कुछ केसेस में। एंड 23 में बेटा दो तरीके के केसेस होते थे जहां वो कहता था कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना सेक्शन 23 में। एक तो होता था बेटा 23-1 में वो दो केसेस लिख करके स्पेसिफाई करके चलते थे कि इन दो केसेस में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो कहते थे नंबर वन, अगर आप निल रेटेड या फिर एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आप हैं किसान एग्रीकल्चरिस्ट जो कि कल्टिवेशन ऑफ लैंड के प्रोड्यूस में डील करता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा सेक्शन 23 में एक होता था सबसेक्शन 2, वो ये कहता था अगर इसके अलावा किसी और केसेस में उनको ये लगता है कि पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए बाउंड नहीं करना चाहिए तो वो नोटिफिकेशन इशू करके बोल सकते हैं और नोटिफिकेशन के थ्रू बोल जा सकता है कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो 23-1 स्पेसिफाइड 2 केसेस वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। एंड इसके अलावा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती थी बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। चलिएगा, अच्छा, जहां 22 कहता था थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ही रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां सेक्शन 24 बिल्कुल अपोजिट था, वो ये कहता था भाई साहब थ्रेशोल्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, एक रुपए का भी काम कर रहे हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 24 में बेटा बड़े सारे केसेस जो थे वो लिस्टेड थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगर आपको याद हो तो वो बेसिकली था बेटा इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले लोग।
24 में वैसे तो और भी कई केसेस थे, बट इन जनरल अगर बात करूं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्या था, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर एक आदमी इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है तो इन जनरल उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से गवर्न होता है, बट अगर वो आदमी इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बन जाता है सेक्शन 24 में। अगर एक आदमी दोनों तरीके की सप्लाई करता है तो भी उसका सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का बन जाता है। आई होप ये जो मैंने सेक्शंस बोले ये आपको याद होंगे। तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी किसी पर्सन की सेक्शन 22 से आएगी, वो थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एंड किसी पर्सन की सेक्शन 24 से आएगी जो कि बिगनिंग से ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हाँ, इन दोनों में से कोई भी आदमी अगर सेक्शन 23 में कवर हो गया तो फिर उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अब बेटा अमेंडमेंट क्या हुई है, सेक्शन 22 में एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 22 में। इधर वैसे सेक्शन 24 में भी एक अमेंडमेंट हुई है, बट पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन 22 की। अब सेक्शन 22 में बेटा जब थ्रेशोल्ड की स्टोरी होती थी तो वो ये होती थी, सेक्शन 22 ये कहता था इन जर्नल एक आदमी तभी रजिस्ट्रेशन कराएगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करेगा। हाँ, साथ में एक प्रोविजो था वो ये कहता था लेकिन यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं देन इन दैट सिचुएशन आपके लिए जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड होगा वो 20 लाख का नहीं कम होगा, वो आपका 10 लाख का होगा। ठीक है जी, ये प्रोविजन तो सबके टिप्स पर ही होगा। अब जरा चेंज सुनिएगा, चेंज क्या हुआ है बेटा। अब ये जो 10 लाख का थ्रेशोल्ड था जो मिलता था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, उधर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते क्या थे, आई बिलीव सबको याद होगा हमारे पास एक आर्टिकल था आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जीएसटी काउंसिल के फॉर्मुलेशन की बात थी कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनाई जाएगी और ये क्या काम करेगी। उस आर्टिकल 279A में 4G पॉइंट में ये लिखा होता था कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है वो बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि वो कुछ कामों के लिए रिकमेंडेशंस देगी, जिसमें से एक काम ये था कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं, इस बात के रिकमेंडेशंस दे सकती है। आई एम रिपीटिंग, आर्टिकल 279A डील्स विद जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनती है, क्या काम करेगी, और उसमें 4th पॉइंट में ये लिखा होता था कि काउंसिल रिकमेंडेशंस देगी और रिकमेंडेशंस में वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के रिकमेंडेशन दे सकती है। और वहाँ पर उन्होंने बताया था कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के रिकमेंडेशन हो सकते हैं, वो थे टोटल 11 स्टेट्स। आर्टिकल 279A4 ने 11 स्टेट्स बताए थे, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट जो थे वो ईस्टर्न नॉर्थर्न स्टेट थे, उन 11 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जीएसटी में बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात इस आर्टिकल में लिखी थी, और इस वजह से इन स्टेट्स को बुलाया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसमें टोटल 11 स्टेट थे बेटा। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब आर्टिकल 279A में तो 11 स्टेट्स थे, पर जब हम सेक्शन 22 पढ़ते थे और सेक्शन 22 ये कहता था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए थ्रेशोल्ड लोअर रहेगी, 10 लाख रहेगी, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा सेक्शन 22 ये कहता था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या मतलब होगा सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 22 ने जब कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आपका थ्रेशोल्ड 10 लाख होगा, तो बेटा उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का एक मतलब प्री डिफाइन किया था, और उन्होंने बोला था, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन सेक्शन 22 में लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था जी आर्टिकल 279A4 में जो भी स्टेट्स बताए गए हैं वो हैं 11 स्टेट्स, लेकिन सेक्शन 22 में 10 लाख की थ्रेशोल्ड जिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट पर अप्लाई होगी वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर्टिकल में बताए गए 11 स्टेट्स नहीं, उसमें से उन्होंने ये बोल रखा था कि उसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे J&K, उसमें से J&K को जो होगा वो हम एक्सक्लूड करेंगे। और मतलब क्या बनता है कि जो स्पेशल थ्रेशोल्ड है 10 लाख की वो 11 स्टेट्स के लिए नहीं है, वो 10 स्टेट्स के लिए है।
अच्छा, नाउ दैट एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन अमेंडेड, नाउ दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन अमेंडेड बाय सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, एंड अब अमेंडमेंट से उन्होंने कहा है कि 10 लाख की थ्रेशोल्ड जिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लगेगी वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 11 स्टेट नहीं, जे एंड के ऑलरेडी एक्सक्लूडेड था, इसमें से और भी इन्होंने बहुत सारे स्टेट जो हैं वो बाहर कर दिए हैं, और बेटा लेट मी टेल यू 7 स्टेट्स ऑल टुगेदर बाहर कर दिए गए हैं, और अब एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सिर्फ 4 स्टेट्स ही ऐसे बचे हैं जिनके लिए ये लोअर थ्रेशोल्ड जो होगी वो अप्लाई होगी। सुनिएगा ज़रा टेंशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 11 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते थे, तो 11 स्टेट्स होते थे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब प्रोविज़न जब बनाए जाएंगे तो देखा जाएगा कि क्या 11 के 11 को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है या इनमें से कुछ को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो सेक्शन 22 ने 10 लाख की थ्रेशोल्ड 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट को नहीं, 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ऑफर करी थी। उसमें चेंज अब यह हुआ है कि अब 10 लाख की थ्रेशोल्ड जो है वो 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को नहीं, वो सिर्फ आज के डेट में 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जो है वो एप्लीकेबल रह गई है। लेट मी शो यू द अमेंडमेंट, लुक एट द स्क्रीन, दिस इज माय सेक्शन 22। सेक्शन 22 सेज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका सबसेक्शन 1 ये कहता था, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सबसेक्शन 1, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन अ स्टेट और यूनियन कैटेगरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज। आप अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं हैं, किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड इज 20 लाख, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देन ही शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10 लाख। तो बेटा प्रोविजो के हिसाब से अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से सप्लाई करते हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड कितनी है, 10 लाख। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं है अदरवाइज हैं तो आपके ऊपर थ्रेशोल्ड कितनी है, 10 लाख। नाउ यहां जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब है वो क्या है, तो उसके लिए सेक्शन 22 में ये एक्सप्लेनेशन होती थी जिसमें बदलाव हुए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन डिसाइड करने के लिए द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, आप सेक्शन 22 पढ़ रहे हैं एंड 22 में आप ये पढ़ रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 10 लाख। अब वो कह रहे हैं सेक्शन 22 में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग आप क्या लेंगे, तो वो कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट शैल मीन का मतलब होगा स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 279(4)(g) जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 279(4)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा इसमें आते हैं 11 स्टेट्स, पर वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट, सारे स्टेट्स नहीं लेना, उसमें से एक्सेप्ट आपको इन स्टेट्स को बाहर कर देना है। कौन सा स्टेट, स्टेट ऑफ जे एंड के, और ध्यान में रखिएगा ये पहले भी एक्सक्लूडेड था। नीचे वाले जो वर्ड्स हैं ये नए स्टेट्स ये अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दिए गए हैं। अब इन सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड के एंगल से नहीं समझा जाएगा। और बेटा कौन कौन से स्टेट्स एक्सक्लूड हो गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड। और इफेक्टिवली अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो बेटा जम्मू एंड कश्मीर तो पहले ही एक्सक्लूडेड था 1, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 3, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 5, सिक्किम 6, उत्तराखंड 7। तो बेटा टोटल स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने थे, 11। टोटल स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने थे, 11 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते थे। अब उन्होंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोअर थ्रेशोल्ड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए वो 11 स्पेशल स्टेट्स के लिए नहीं है, 7 बाहर कर दिए, तो आज की डेट में लोअर थ्रेशोल्ड जो होगी वो सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलेगी, वो सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलेगी। और बेटा आज की डेट में जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रह गए हैं
लोअर थ्रेशोल्ड के सब्जेक्ट टू, वो बेसिकली आपके ये रह गए हैं जिसका अक्सर मैं शॉर्टकट ये बोलता हूँ, आप इसे याद रखना, नागमनी तेरा पूरा मजा। नागमनी तेरा पूरा मजा एक स्टेट है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, नागमनी मनी तेरा पूरा त्रिपुरा एंड मजा मिजोरम। टोटल 11 स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब उन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब 11 नहीं, हम सिर्फ 4 ही समझेंगे, 7 बाहर कर दिए हैं, 4 ही समझेंगे। तो आज की डेट में सिर्फ बेटा ये जो नागमनी तेरा पूरा मजा ये 4 हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड होगा 10 लाख, और बाकी सबके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड हो गया है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड हो गया है 20 लाख। दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 22। सो बेटा एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड 20 लाख और 10 लाख थी, पहले 10 लाख की थ्रेशोल्ड 10 स्टेट्स को मिलती थी, आज की डेट में सिर्फ 4 स्टेट्स को मिलेगी। मैंने दोहरा दिया, नागमनी तेरा पूरा मजा, बाकी रेस्ट एवरी अदर स्टेट, उसमें जो भी सप्लायर होंगे वो जब सप्लाई करेंगे तो उनके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड इज 20 लाख। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अगली एक इम्पॉर्टेंट बात ये सुनिएगा, अभी ये जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बच गए हैं जिनमें लोअर थ्रेशोल्ड है, इन 4 स्टेट्स के लिए भी ये फर्दर एक प्रोविज़न ये बनाया गया है कि अगर फ्यूचर में तुमको भी थ्रेशोल्ड 10 लाख ना रख करके बड़ी थ्रेशोल्ड रखनी होगी तो फ्यूचर में ऐसा किया जा सकेगा सिंपली थ्रू अ नोटिफिकेशन। दोबारा सुनिएगा, ये जो 4 स्टेट्स बच गए हैं, 4 स्टेट्स के लिए लोअर थ्रेशोल्ड रह गई है, इनको भी अगर फ्यूचर में 10 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं 20 लाख की बड़ी हुई थ्रेशोल्ड चाहिए होगी तो प्रोविजंस सेक्शन 22 में इस बात के बनाए गए हैं कि थ्रू नोटिफिकेशन अगर फ्यूचर में इन 4 स्टेट में से कोई भी इंक्रीज थ्रेशोल्ड की रिक्वेस्ट करता है तो उसे इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफर की जा सकती है। सेक्शन 22 में एक प्रोविजो और इंट्रोड्यूस हुआ है, स्क्रीन पर आप देखिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट। ये कहता है गवर्नमेंट में अदर रिक्वेस्ट ऑफ अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट आज की डेट में सिर्फ कितने रह गए हैं, 4 स्टेट्स। अब उन 4 स्टेट में से किसी की रिक्वेस्ट आती है एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, एंड GST काउंसिल भी रिकमेंड करती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एनहांस कर सकती है द एग्रीगेट टर्नओवर रेफर टू इन फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो में कितना टर्नओवर रेफर्ड है, 10 लाख। गवर्नमेंट उस 10 लाख की बजाय एनहांस कर देगी टर्नओवर कितने से, फ्रॉम 10 लाख टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20 लाख्स एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी नोटिफाइड। व्हाट द प्रोविजो इज ट्राइंग टू से, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने रह गए, 4। अब उन 4 स्टेट में भी कल अगर कोई स्टेट चाहता है कि जी हमारे लिए 10 लाख नहीं, हमारे लिए भी थ्रेशोल्ड बढ़ा दी जाए, वो चाहता है लेट्स सपोज 10 नहीं 15 कर दी जाए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और अगर उसकी रिक्वेस्ट आई और काउंसिल ने भी रिकमेंडेशन दे दिया जी बढ़ा दो, तो फिर उसके लिए इंक्रीज थ्रेशोल्ड जो होगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी। बट इन एनी केस जो इंक्रीज किया जा सकता है वो 20 लाख से ज्यादा की थ्रेशोल्ड जो है वो किसी भी स्टेट के लिए नहीं की जा सकती। तो फ्यूचर में नागालैंड वाले कहते हैं भाई साहब अपने को 10 नहीं 15 चाहिए, आप रिक्वेस्ट करो, काउंसिल अगर आपकी बात से सहमत है वो रिकमेंडेशन दे देगी, तो गवर्नमेंट जो होगी आपके लिए थ्रेशोल्ड जो होगी वो बढ़ा देगी, बट किसी भी हालत में 20 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी। एम आई क्लियर? प्रेजेंटली एज सच इन 4 स्टेट में से कहीं से रिक्वेस्ट नहीं आई है, आएगी फ्यूचर में तो किया जा सकता है, इस बात के इनेबलिंग प्रोविजंस बना दिए गए हैं। तो खैर आज आप मेनली क्या याद रखेंगे सेक्शन 22 की अमेंडमेंट में, आज आप ये याद रखेंगे कि थ्रेशोल्ड 20 और 10 पहले होती थी वही है, लेकिन पहले 10 लाख 10 स्टेट्स को थी, आज की डेट में सिर्फ है 4। नागमनी तेरा पूरा मजा।
चल सकते हैं जी आगे। अच्छा अब अगली बात सुनिएगा। अब बेटा ये जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड भी बहुत सारे लोग सप्लायर ये कह रहे थे जी 20 लाख की थ्रेशोल्ड आपने दी है, 20 लाख होता ही कितना है। सुनना बेटा ध्यान से, अब ये जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है जो कि बेसिकली इन जनरल सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो बहुत सारे सप्लायर्स का ये कहना था जी ये 20 लाख की थ्रेशोल्ड भी कोई थ्रेशोल्ड है, 20 लाख का टर्नओवर होता ही कितना है, हम थोड़ा सा काम करते 20 लाख आज के डेट में अचीव हो जाता है, हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में फंस जाते हैं। उनकी रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि ये 20 लाख की थ्रेशोल्ड बढ़ा दी जाए। क्या रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारे सप्लायर्स की कि 20 लाख की थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा दी जाए। तो अब जरा जो मैं बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा सुनिएगा, गवर्नमेंट ने कुछ सप्लायर्स के लिए, जरा ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कुछ सप्लायर्स के लिए और सिर्फ गुड्स के सप्लायर के लिए 20 लाख की थ्रेशोल्ड बढ़ा करके 40 लाख भी कर दी है। बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे सप्लायर की रिक्वेस्ट थी कि 20 लाख की थ्रेशोल्ड बहुत कम थ्रेशोल्ड है, बढ़ाई जाए, तो गवर्नमेंट ने सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 20 लाख की थ्रेशोल्ड बढ़ा करके कर दी है 40 लाख विद सर्टेन कंडीशंस। गवर्नमेंट ने 20 लाख की थ्रेशोल्ड भी बढ़ा के कर दी है 40 लाख विद सर्टेन कंडीशंस। अच्छा इसमें पहले आप ध्यान रखो कि ये थ्रेशोल्ड सिर्फ गुड्स के सप्लायर के लिए इंक्रीज की गई है, एंड फर्दर बहुत सारी शर्तों के सब्जेक्ट टू ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज की गई है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज कैसे की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज कैसे की गई है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने सेक्शन 22 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। 22 में 20 लाख लिखा होता था, 20 लाख ही लिखा है, लेकिन उन्होंने सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का सहारा लिया है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का सहारा लिया है और उन्होंने बेसिकली एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन 10/2019 उन्होंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किया और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं एंड सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो आपके लिए हम थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं एंड एक्सक्लूसिवली आपका काम सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो ही हम आपके लिए थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं इफ़ यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स तो आपको 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 22 तो मुझे 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी डाल देता था, पर 23(2) का ये नोटिफिकेशन कहता है भाई साहब 40 लाख तक हम आपको रजिस्ट्रेशन से बाहर रखेंगे, मतलब थ्रेशोल्ड इनडायरेक्टली इंक्रीज हो गई है थ्रू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी बात ये है, ये सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है। दूसरी बड़ी बात ये है, वो ये कहते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बनेगा तो फिर आपको ये बेनिफिट 40 लाख वाला अवेलेबल नहीं होगा। कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपके रजिस्ट्रेशन में थ्रेशोल्ड चाही ही नहीं है, उन्होंने आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विजुलाइज किया है, तो हम उसमें दखलअंदाजी नहीं कर रहे। हाँ लेकिन जहाँ गवर्नमेंट ने आपको थ्रेशोल्ड दिया था, गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रही थी, तो वहाँ अब हम ये फर्दर कह रहे हैं कि आपको 20 लाख की बजाय वो थ्रेशोल्ड 40 लाख की जो होगी वो मिलेगी। ये नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, और इस नोटिफिकेशन का कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा कंटेंट, ये जो नया नोटिफिकेशन है
सेक्शन 23 से पावर लेकर के इसे इशू किया गया है एंड इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने सप्लायर ऑफ गुड्स की थ्रेशोल्ड बढ़ाई है. दिस इज द नोटिफिकेशन बेटा. लेट्स रीड आउट द नोटिफिकेशन. इट सेज इन एक्साइज ऑफ पावर्स कंफर्ड बाय सेक्शन 23(2) में गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन रख सकती है. तो इन एक्साइज ऑफ पावर्स गिवन बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय स्पेसिफाई द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज द कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेड एक्ट. ये लोग जो होंगे ये इतनी लिमिट तक रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रहेंगे. कौन से लोग जरा ध्यान से सुनिएगा. Any person who is engaged in exclusive supply of goods, ध्यान में रखिएगा, notification ने benefit दिया है only those person who are making only and only supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh. If you are only a supplier of goods and आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया है. कहने का मतलब आज की डेट में इफ़ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स तो आपको 40 लाख तक के टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी. अच्छा अब नोटिफिकेशन आ गया, कहता है एक्सेप्ट. वैसे तो आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स है तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी एक्सेप्ट एबीसीडी. बट अगर एबीसीडी आपके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल हो गया तो फिर आपको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं है. अगर आपके ऊपर एबीसीडी कुछ भी पढ़ा जा सकता है तो फिर ये नोटिफिकेशन में आप कवर नहीं रहेंगे, फिर आप बाहर हो जाएंगे. और नोटिफिकेशन से बाहर होने का क्या मतलब होगा, आपके ऊपर सेक्शन 22 में जो भी थ्रेशोल्ड बताई गई थी वही थ्रेशोल्ड आपको मिलेगी. इस नोटिफिकेशन में आए तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, थ्रेशोल्ड 40 है. पर अगर एबीसीडी की वजह से आप बाहर हो गए तो आपको थ्रेशोल्ड 40 लाख नहीं है, आपकी थ्रेशोल्ड जो अदरवाइज सेक्शन 22 में बनती है वही रहेगी. तो कौन कौन से चार पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप यहां से बाहर हो जाएंगे. नंबर वन, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. एज आई टोल्ड यू, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं पर आप क्या है इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, तो आप मुझे बताइएगा इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स का सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर आपको ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा. ठीक है जी. दूसरी बात, persons engaged in making supplies of the following goods, अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों की सप्लाई करता है तो इन चीज़ों के सप्लायर ऑफ गुड्स को एनहांस्ड थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. कौन कौन सी चीज़ें, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको एंड मैनुफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट. अगर आप इन तीन चीज़ों के सप्लायर हैं तो आपको एनहांस्ड थ्रेशोल्ड जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं है. इन तीन चीज़ों का शॉर्टकट है IPT, सिंपल आइसक्रीम पान मसाला एंड टोबैको, ठंडा पान टोबैको डला हुआ, याद रख लेंगे ठंडा पान टोबैको डला हुआ. अच्छा जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये तीन लोग ऐसे हैं बेटा जिनको कंपोजिशन स्कीम में भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. बाकी गवर्नमेंट ने बोला है इन तीन लोगों को हम एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं देंगे. फिर उसके बाद अगली अहम बात सुनिएगा, पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई. अब देखो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं हो, और मान लो आप जो सप्लाई करते हो वो IPT आइसक्रीम पान मसाला टोबैको की भी नहीं करते, अब लेकिन अगला पॉइंट ये कहता है अब आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो अगर आप इन स्टेट से बेच रहे हो तो इन स्टेट्स में आपको एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा. कौन कौन से स्टेट है जी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड. कितने हो गए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर 2, मेघालय 3, मिजोरम 4, नागालैंड 5, पुडुचेरी 6, सिक्किम 7, तेलंगाना 8, त्रिपुरा 9, उत्तराखंड 10.
इन 10 स्टेट्स में थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं की गई है, इन 10 स्टेट में थ्रेशोल्ड जो है वो एनहांस नहीं की गई है। अच्छा, आप जिस 10 स्टेट में थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं की गई है, इन 10 स्टेट को बेटा दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो इसमें बन जाएगी नाग मनी तेरा पूरा मजा, ध्यान से देख लो, इसमें वो चार आ रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो नाग मनी तेरा पूरा मजा, इनको थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं किया गया है। तो थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं किया गया, इसका मतलब ये होगा कि इनको पुराना थ्रेशोल्ड ही मिलेगा, मतलब 10 लाख। अच्छा, इसके अलावा और जो 6 स्टेट्स हैं, उन 6 स्टेट्स को आप याद रख सकते हैं विद दिस एब्रिविएशन, सूमा तुम टैक्सेबल पर्सन बन गई, सूमा तुम टैक्सेबल पर्सन बन गई क्या, सूमा तुम टैक्सेबल पर्सन बन गई क्या, सू सिक्किम, उ उत्तराखंड, एम मेघालय, ए अरुणाचल प्रदेश, टी तेलंगाना, पी पौडुचेरी। देख लीजिएगा, ये सारे नाम मैंने आपको सिंपल याद रखने के लिए बोला है। टोटल 10 स्टेट्स को थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं की गई, तो 10 में से नागमनी तेरा पूरा मजा, इनको थ्रेशोल्ड एनहांस नहीं है, तो इनको जो अदरवाइज थ्रेशोल्ड 10 लाख है वही मिलेगी। सूमा टीपी, इनकी थ्रेशोल्ड भी अनाउंस नहीं है, तो इनको जो अदरवाइज थ्रेशोल्ड है 20 लाख की वही मिलेगी। इन 10 को छोड़ करके अब बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड कितनी हो जाएगी, 40 लाख। एम आई क्लियर? मैंने नीचे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है, पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड यू आर एन इंट्रा स्टेट सप्लायर, तो बेसिकली आपका इन जनरल रजिस्ट्रेशन कहाँ कवर होता है, सेक्शन 22 में। एंड सेक्शन 22 के हिसाब से ये जो चार स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे, नागमनी तेरा पूरा मजा, इनकी इनकी थ्रेशोल्ड थी 10, और बाकी जितने भी स्टेट्स थे उन सब की थ्रेशोल्ड कितनी हो गई थी, 20 लाख। बट नाउ 23-2 में जो नया नोटिफिकेशन आया उसने थ्रेशोल्ड एनहांस करी, वो थ्रेशोल्ड एनहांस नागमनी तेरा पूरा मजा के लिए नहीं हुई। इसके अलावा वो इन 6 स्टेट्स के लिए भी एनहांस नहीं हुई, बाकी सब के लिए एनहांस होकर के हो गई 40 लाख। तो आज की डेट में आपसे अगर कोई पूछेगा थ्रेशोल्ड दिल्ली वाले की कितनी है, तो आप कहना दिल्ली वाले की थ्रेशोल्ड है 40 लाख। वो पूछेगा कैसे, तो आप बोलना सेक्शन 22 रेड विद सेक्शन 23-2। सेक्शन 22 में कितनी लिखी थी, 20, बट वो 23-2 के साथ अगर रेड विथ किया तो वो कितनी हो गई, 40। लिखने का तरीका क्लियर है, एग्जाम में अब प्रैक्टिस कर लो। कोई भी पूछेगा रजिस्ट्रेशन किस थ्रेशोल्ड की बात कराना है एक दिल्ली के सप्लायर को, तो बोलना 40 लाख। और ये 40 लाख कैसे बना, सेक्शन 22 रेड विथ सेक्शन 23-2। मुंबई वाले के लिए अगेन 40 लाख, तेलंगाना वाले के लिए 20 लाख। और 20 लाख क्यों, सेक्शन 22, वहां 23-2 का नोटिफिकेशन साथ में है ही नहीं। नागालैंड वालों के लिए कितनी, 10 लाख, अगेन सेक्शन 22, बिकॉज 23-2 का नोटिफिकेशन वहां है ही नहीं। तो यहां एल्सवेयर का जब आप आंसर करोगे तो इसका आंसर जाएगा 22 रेड विथ 23-2 नोटिफिकेशन, बाकियों का आप आंसर करोगे तो सिंपल सेक्शन 22 सेक्शन 22। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, माइंड माई वर्डिंग, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ सर्विस, तो फिर सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस है तो वो नागमनी तेरा पूरा मजा उन स्टेट से देगा तो 10 लाख, अदर कहीं से भी देगा तो 20 लाख। यहाँ कोई एनहांस थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट नहीं आया है। तो दिस टाइम इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी अ लिटल बिट एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपको क्वेश्चन ने सप्लायर ऑफ गुड्स बताया या सप्लायर ऑफ सर्विस। अच्छा, क्वेश्चन अगर कभी आपको स्पेसिफाई ना करे कि आप गुड्स के सप्लायर हैं या सर्विसेज के, तो मेक श्योर यू आर रेजिंग अ प्रिजम्पशन सो दैट आप करेक्ट आंसर जो है वो एग्जामिनर को बता दें। एम आई क्लियर? अच्छा, नाउ वन ऑफ द अदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज, मान लीजिए बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 17-18। अब 17-18 में
जो वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द जीएसटी था उस टाइम पर थ्रेशोल्ड दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं कितनी थी, 20 लाख। तो एक आदमी ने लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 30 लैक्स का काम किया। अब 30 लैक्स का उसने काम किया तो बेटा जैसे ही 20 लैक्स का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ होगा, क्या उसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लिया होगा? यस। एंड जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद उसने आगे जो भी काम किया होगा क्या उस पर जीएसटी पे भी किया होगा? यस। अब बेटा इसके बाद मैं आपसे ये कहता हूँ, अब हमारे पास अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर 18-19। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लेट्स सपोज इसने 32 लैक्स का काम किया और उस काम के ऊपर लेट्स सपोज इसने जीएसटी जो है वो पे किया बींग अ रजिस्टर्ड पर्सन। फिर इसके बाद अगला साल आ गया बेटा फाइनेंशियल ईयर 19-20। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 इस आदमी को क्या पता चला कि अब एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड कितना हो चुका है दिल्ली वालों के लिए, 40 लाख। तो अब आदमी ये कहता है जी भाई साहब अब 40 लाख तक तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है और मेरा काम तो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी 40 लाख से ज़्यादा होगा, 32 था इस साल में, चलो 33 लाख हो जाएगा ऐसा मेरी उम्मीद है। तो ये आदमी ये कहता है जी भाई साहब मेरा काम जो है 40 लाख से ज़्यादा का अगर होगा ही नहीं तो क्या मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या मैं रजिस्ट्रेशन छोड़ सकता हूँ? तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम ये तय कर चुके कि दिल्ली में 40 लाख तक लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो हम इस आदमी को भी कह सकते हैं भाई साहब आप चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन अब कॉन्टिन्यू ना करो, आप डी रजिस्ट्रेशन में चले जाओ। आप डी रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न फॉलो कर लो, सेक्शन 29 में आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर दो, सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार छोड़ अब क्या कैंसिलेशन कराना, रजिस्टर्ड हो गया हूँ, रजिस्टर्ड ही रहता हूँ, आगे टर्नओवर बढ़ना ही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इवन इफ आपका थ्रेशोल्ड 40 लाख से कम है, इफ यू योर सेल्फ वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यू रख सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है, गवर्नमेंट डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी फ्रॉम यू। ठीक है, इसके अलावा एक बात और सुनो, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 नया फाइनेंशियल ईयर, इसमें दिल्ली में थ्रेशोल्ड कितनी हो गई, 40 लाख। 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कोई इस बात को रिकलेक्ट कर सकता है, 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है नहीं पर एक आदमी का मन कर रहा है जी भाई साहब काम मेरा 20 लाख ही होगा बट मैं तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, तो क्या एक आदमी वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन करा सकता है? यस। आपको याद रखना है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है उसकी चर्चा थी, उसमें सबसेक्शन 3 में ये लिखा था इवन इफ यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन देन स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक रजिस्ट्रेशन, मोस्ट वेलकम। आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो बट फिर भी आप रजिस्टर्ड होकर के जीएसटी पे करना चाहते हो, आप जैसे बंदे ढूंढने से नहीं मिलते, तो आप अगर वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन में हो तो फिर एनहांस थ्रेशोल्ड के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन दो एग्जांपल में आपको क्या समझा गया, एक नया आदमी जो नया बिजनेस सेटअप कर रहा है जिसको पता है थ्रेशोल्ड 40 है बट फिर भी अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो ले ले, एनहांस थ्रेशोल्ड उसको नहीं रोकेगा। दूसरा वो आदमी जो पहले कुछ सालों से अपना काम कर रहा है और जिसने पुराने थ्रेशोल्ड को देखते हुए रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अब वो रजिस्टर्ड हो चुका और उसको ये लगता है चल यार थ्रेशोल्ड बढ़ गया तो बढ़ गया, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो रजिस्टर्ड ही रहना चाहता हूँ, तो वो रजिस्टर्ड रहते हुए ही काम करे, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एम आई क्लियर? इस बात को उन्होंने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन 10/2019 में। 10/2019 में उन्होंने क्या लिखा है दोबारा पढ़ता हूं, उन्होंने कहा एक आदमी जो सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स है और जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है वो रजिस्ट्रेशन ना कराए एक्सेप्ट, और अब पॉइंट नंबर डी पढ़ना, पर्संस एक्साइजिंग ऑप्शन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(3)। मतलब अगर एक आदमी 25(3) में वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो बात अलग है, या सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट, या वो आदमी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हैं बिकॉज उस टाइम थ्रेशोल्ड कम थी,
अब वो रजिस्टर्ड है और वो अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करें, कंटिन्यू करें, हमें उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को आप याद कैसे रखेंगे, इसको याद आप ऐसे रखेंगे, प्लीज ध्यान में रखिएगा, आज की डेट में सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख तक का एनहांस थ्रेशोल्ड हो गया है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में नहीं अटकता है, आप आईपीटी आइसक्रीम पान मसाला टोबैको में डील नहीं करते हैं और आप उन 10 स्टेट में नहीं है, एनहांस थ्रेशोल्ड के बावजूद भी वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन कराओ, वी हैव नो प्रॉब्लम, आप रजिस्टर्ड थे, रजिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यू रखो, वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? अच्छा, अब इस प्रोविजन पर आपके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है उसकी एक झलक आईसीआई ने जो आपको स्टेचुटरी अपडेट दिया वहां से देखने को मिलती है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेट मी शेयर दैट एग्जाम्पल विद यू। उन्होंने एग्जाम्पल में ये लिखा, पृथ्वीराज ऑफ असम, इस आदमी ने ये सप्लाई करी, अगर ये सप्लाई करता है तो उसके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड वो चेक करते हुए बताओ रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर नहीं कराना है। उन्होंने 3 पर्संस का डाटा दिया है बेटा, एक पृथ्वीराज ऑफ असम, दूसरा शिवाजी ऑफ तेलंगाना एंड तीसरा अशोका ऑफ मणिपुर। जैसा कि आप जानते हैं अशोका ऑफ मणिपुर, मणिपुर वालों के लिए नॉर्मल थ्रेशोल्ड कितनी है, 10 लाख। तेलंगाना वालों के लिए कितनी हो गई है, 20 लाख। और असम वालों के लिए कितनी हो गई है बेटा, 40 लाख। यही है ना, नए प्रोविजन के हिसाब से मणिपुर नागमणि तेरा पूरा मजा 10 लाख, तेलंगाना सुमा टीपी तेलंगाना 20 लाख, एंड रेस्ट एवरी अदर पर्सन थ्रेशोल्ड कितनी हो गई है, 40 लाख। यही है ना। अब देखो उन्होंने लिखा क्या, असम वाले की स्टोरी समझो, पृथ्वीराज असम में है और इनका काम है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ शूज, ये सिर्फ शूज का काम करते हैं, गुड्स का काम करते हैं। तो बेटा अगर ये गुड्स का काम करते हैं, एंड आई बिलीव आप सबको पता ही है, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफाई, आप हमेशा अपनी सप्लाई को क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट, और आप हमेशा मानेंगे इंट्रा स्टेट वाले अपना रजिस्ट्रेशन कहां से पढ़ते हैं, सेक्शन 22-24 से नहीं। तो अब ये आदमी सेक्शन 22 में वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कब था, 20 लाख से ऊपर, पर क्या ये एनहांस थ्रेशोल्ड का बेनिफिट ले पाएगा? यस, बिल्कुल ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा। तो इसके लिए एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड है 40 लाख, इसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 22 लाख है तो इसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं अगर ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पान मसाला करता है, तो पान मसाला की सप्लाई करने का मतलब अगेन ये गुड्स की सप्लाई करता है, 22 लाख रुपए का काम करता है, बट ध्यान में रखिएगा इसको अब की बार एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज आईपीटी पान मसाला वालों को एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलता, और क्योंकि एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा तो इसको सेक्शन 22 में जो अदरवाइज थ्रेशोल्ड था 20 लाख वही मिलेगा। इसका काम अगर 22 लाख है तो इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर ये एक्सक्लूसिवली काम करता है टैक्सेबल सर्विसेज, तो सर्विसेज वालों को एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है, सर्विसेज वालों को वही थ्रेशोल्ड है जो सेक्शन 22 में लिखा हुआ है 20 लाख। इनका काम कितना है, 22 लाख, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर सप्लाई करते हो आप टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, अगेन एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, आपका थ्रेशोल्ड सेक्शन 22 वाला ही रहेगा, 20 लाख, आपका काम है 22 लाख, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सर। शिवाजी ऑफ तेलंगाना, ये अगर ट्वाइस की सप्लाई करते हैं गुड्स की सप्लाई, तो तेलंगाना वालों का एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है, थ्रेशोल्ड उनका 20 लाख ही है भाई, तेलंगाना वालों का ध्यान रखना। आपने कितना किया, 22 लाख, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप आइसक्रीम की सप्लाई करते हो, भाई साहब आप तेलंगाना में हो तो हमें मतलब ही नहीं है, और वैसे भी आइसक्रीम वालों का तो एनहांस थ्रेशोल्ड हुआ ही नहीं है, तो थ्रेशोल्ड 20 लाख ही है, आपका काम 22 लाख है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सर्विसेज वालों के लिए एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है, आपका थ्रेशोल्ड सेक्शन 22 से ही रहेगा, 20 लाख, आपने 22 लाख का काम किया है, करा लीजिए। आपने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेची है, अगेन थ्रेशोल्ड एनहांस्ड नहीं है, 20 लाख ही है, 22 लाख का काम किया है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब आप आए मणिपुर, मणिपुर वालों ने पेपर की सप्लाई करी, सर एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है,
आपका थ्रेशोल्ड सेक्शन 22 वाला ही है, और मणिपुर के हो तो आपका थ्रेशोल्ड 10 लाख है। तो आपने अगर 12 लाख का काम किया है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप टोबैको डील करते हैं, एनहांस थ्रेशोल्ड है ही नहीं, आपको अपना बेसिक थ्रेशोल्ड ही देखना है जो कि 10 लाख है, 12 लाख का काम किया, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपने सर्विसेज दी हैं, एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं है, आपको अपना बेसिक थ्रेशोल्ड देखना है, 10 लाख आपका काम, 12 लाख है, करा लीजिए। एंड सिमिलरली अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं, एनहांस थ्रेशोल्ड आपके लिए नहीं है, आपका बेसिक थ्रेशोल्ड ही है, उसी को ध्यान में रखिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एम आई क्लियर? सो ये बेटा सेक्शन 22 से रिलेटेड अमेंडमेंट थी। सेक्शन 22 की अमेंडमेंट कंप्लीट हुई है, बाकी अदर अमेंडमेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।